और अब बात आजमगढ़ की करते हैं, जहां बिलरियागंज के जौहर पार्क में सीएए और एनआरसी के विरोध में मुस्लिम महिलाओं पर लाठीचार्ज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने ही संसदीय क्षेत्र में लोगों के निशाने पर आ गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में ही उनके लापता होने के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव के लापता होने को लेकर मुसाफिर खाना और कलेक्ट्रेट क्षेत्र में पोस्टर चिपकाए गए। ये पोस्टर कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से चिपकाए गए। इसमें कांग्रेस ने सवाल किया कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम महिलाओं पर पुलिसिया बर्बरता पर अखिलेश यादव क्यों चुप हैं। वहीं अखिलेश सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस होशो हवास खो चुकी है। तो अभी अपना वजूद बनाने का प्रयास कर रही है। दुर्भाग्य यह है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में डर लग रहा है, वो समाजवादी पार्टी से ही लड़ने का काम शुरू किए हैं। और ये जो पोस्टर वगैरह है, ये कोई होगा, कोई हम नहीं समझते कोई होश हवास वाला व्यक्ति ये पोस्टर लगा सकता है।